वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। एक और नई वीडियो में भरत कार वाले भैया हमारे साथ वापसी जुड़ चुके हैं। क्या हाल चाल है भरत भैया? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे पास है थार रॉक्स। आप लोगों ने इसकी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने इसमें अलॉय व्हील्स लगाए थे और उसके बाद हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम इस गाड़ी में आप लोगों को जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आप लोगों को क्या करके दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, देखो भाई गाड़ी आई है तो खुलेगी तो जरूर, और गाड़ी अगर इस रंग की है तो हम तो इस रंग की छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, इसको हम लोग पूरा ही चेंज कर देंगे। इसके डोर पैड्स खुल गए हैं, अब इस गाड़ी के साथ में जितने भी सीटें वाले सीन थे सारे खुल गए हैं। अभी इस गाड़ी की रूफ भी खोली जाएगी और बहुत ही तमीज से जो है इसकी रूफ खोलनी पड़ेगी क्योंकि भाई एक तो ये वाइट है। बिल्कुल, उसके बाद हमने इसमें कुछ प्लानिंग कर रखी, कुछ डिफरेंट लेवल करेंगे। क्या है कलर, क्या कॉम्बिनेशन सोच रहा है भैया? अभी कलर हमारे एक सीनियर जो है इंटीरियर के वो आ रहे हैं, वो भी रिकमेंड करेंगे, बट कुछ टैन ब्राउन कॉफी इसी शेड्स पे जाएंगे। एग्जैक्ट कलर मैं चाहूंगा कि तू वो मोका कलर ना करे। नहीं, मोका नहीं करेंगे, जो टॉप मॉडल में आने वाला है। मेरा पर्सनल वो नहीं है क्योंकि वो आ ही रहा है, तो कुछ नया करके दिखाने के लिए हम लोग इसमें करेंगे ट्राई। वाइन कलर कैन बी अ गुड चॉइस, या वाइन में कुछ एक अलग शेड अगर हमें मिल जाए तो वो हम लोग चॉइस बना सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, स्टील ग्रे का एक कलर ऑप्शन था। स्टील ग्रे कलर वो मानो भैया रिकमेंड कर रहे थे, उनका बहुत मन था स्टील ग्रे का, तो अभी वोट डालेंगे उसके बाद तो लास्ट में वरना पर्ची निकाल देते हैं हम तो। ठीक है भाई, चार पर्ची डाल के उसमें से निकाल देंगे, जो उनसे निकला ही वो कर देंगे। आगे के बम्पर का क्या अपडेट है भाई? अभी क्या अपडेट आया? अपडेट आज टेस्ट फिटिंग के लिए आना था बम्पर, बट अब वो कल पे हो गया, सो दैट उन्हें कहीं जाना पड़ा जहाँ से वो आ रहा था। ओके, अभी फिटिंग आ रही है टेस्ट फिटिंग के लिए। अंडर बॉडी हमारी निकल चुकी है, वो हम बहुत ही जल्द सबको दिखा देंगे। पराड की लग जाएगी वो, पराड ही लाएगा। इस वीडियो के अंदर दिखा सकते हैं? इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली यस दिखा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा है, अभी पक्का नहीं है। हाँ जी, हेडलाइट अपग्रेड कर पा रहे हैं हम? हेडलाइट अभी नहीं क्योंकि ग्रिल का भी मोल्ड बन रहा है। हाँ जी, जब तक ग्रिल का मोल्ड नहीं बनेगा तब तक हेडलाइट जुगाड़ वाला काम तो करना ही नहीं है। बिल्कुल, साइड में बाकी अगर हम डोर हिंच आए तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है भाई, वो लगा देंगे, अब वो इसमें दिखा देंगे, इसमें किट भी दिखा देंगे इसमें लगी हुई। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बताऊं भाई, इसको खोलना और थ्री डोर को खोलना आसान है क्या है भैया? थोड़ा सा वर्क ज्यादा है इसके अंदर, थोड़ा क्या बहुत वर्क ज्यादा है थ्री डोर से, तो ठीक है। इसमें डोर ज्यादा हो, मतलब क्वालिटी बढ़िया कर दी है, खराब कर दी है? पैनल्स ज्यादा हो गए पीछे के, जो खुलेंगे पीछे डिग्गी तक, पहले नहीं खुलता था, अब सब कुछ खुलेगा इसका। नहीं, क्वालिटी कैसी, बेटर हुई है? क्वालिटी बेटर। चलो ये हमारी टीम है, हमारे दूसरे भैया भी है। भैया कैसा लग रहा है खोलते हुए? मजा आ रहा है। चलो भाई ठीक है, देखो ये भी काम जरूरी है भाई, काम करते हुए अपने काम में मजा आना चाहिए, ये चीज भैया ने बढ़िया बताई है। बाकी देखो इसके ग्रैब हैंडल, ये सब रंग करवाएगा ना भाई? बिल्कुल सब जाएगा, ये सब रंग होना चाहिए, मतलब इसका एक एक चीज जो खुल रहा है, आर्मरेस्ट जो इसका पूरा स्कीम है, अब ये पूरा पेंट होगा ना भाई? बिल्कुल दे रहे भैया। हाँ भाई, मेरे को मतलब ऐसा चाहिए कि इसको देख के, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने कर दिया है इंटीरियर बनाने का, मतलब ठीक है कर दिया, देखो फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकते। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई, तो हम लोग उस चीज के लिए जाने माने जाते हैं। और एंड्रॉइड स्क्रीन अभी अपग्रेड करने का प्लान है कि नहीं है? एंड्रॉइड स्क्रीन बिल्कुल अपग्रेड करने का प्लान है। हम तो बंदे हैं ना, हम 13 इंची डालेंगे, 14 इंची डालेंगे, जितने इंची हम डाल सकते हैं उतने हम डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। बम्पर यहाँ पड़े हुए हैं, स्टॉक टायर यहीं पर पड़े हुए हैं। स्टॉक इसी के, किसी और के? तो ये किसी और के है भैया, किसी और के। ये कल एक गाड़ी आई थी तो ये, अभी मैं कुछ देख रहा हूँ, ये एक थार में क्या हो रहा है भाई, आगे की तरफ क्या लगा हुआ है उसमें? उसमें भैया एक फ्रंट गार्ड लगा हुआ है, फुल कैरियर का प्लान चल रहा है उसमें भैया की। ये थार है, डेफ गार्ड प्राइड का लगा हुआ है, पीछे हमने टैंडम लगाई दिया है। अच्छा, रॉक स्लाइडर्स हमने लगाए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, काफी मैस्कुलिन टाइप गाड़ी बनाई हुई। अच्छा, है आगे भी आर्मर लगाया क्या? हाँ जी। इसका क्या यूज हो जाता है भाई, कहाँ फायदा होता है इसका? भैया मेजरली फ्रंट विंडस्क्रीन प्रोटेक्ट करने के लिए होता था ये, जब लोग ऑफ रोडिंग जाते थे कि साइड से कोई कुछ आ रहा है मान लो, या कोई झाड़ आ गई या कुछ आ गया, ये हमने इंस्टॉल किया है। करा जाए। हाँ जी बिल्कुल। और ये भी किसी ब्रांड का आता है ऐसे ही ऑफ है? ये ऑफ है भैया, ब्रांड के आते, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। बम्पर हमने सब प्राइड का ही लगाया हुआ है अपना। ठीक है, विद लवारा बुलबार। और भैया हेडलाइट थोड़ी अलग सी लग रही है भरत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भैया ने कहीं और से लगाई है? ये भैया ने कहीं और से ली हुई है, तभी अलग लग रही है भाई। हमसे लगी होती तो आप लोगों को कुछ हमारे बिल्कुल पता होती कि क्या लगाते हैं। ये हमने लगाए हैं भैया के कार्बन फाइबर। अच्छा, कार्बन फाइबर बस लगे। सही है भाई। तेरी गाड़ी डीजल है पेट्रोल है? रॉक्स डीजल। तो उसमें वो उसका काम होगा स्नॉर्कल वॉर्कल का? स्नॉर्कल का काम फ्यूचर में देखेंगे, अभी इसका कोई प्रॉपर स्नॉर्कल बने हम चाहते हैं, जैसे जिमनी का एक आता है जैसे साइड पिलर हट जाता है और स्नॉर्कल बैठता है, कुछ उस टाइप का बने। फिलहाल तो इसमें मेरा बहुत प्लान है एक बोनट चेंज कराने का। अच्छा, बोनट में क्या प्लान कर रहा है भाई? हाँ जी, कुछ नया चीज लगाएगा। देख इसने खोल भी दिया बोनट के ना,
ये स्कीम में लगे हुए, इसने बोनेट वोनेट सब खोलेगा मुझे पता है, डाई वाई गई हुई है करके खोल खोल के बनाता रहेगा, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए भी तो तैयार करना ही है ना। टायर्स का क्या रिस्पॉन्स है भाई अलॉय व्हील्स के साथ? अलॉयज बहुत बढ़िया है, अभी अभी इसमें और एक और अपग्रेड होगा। हाँ ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो चलते रहेंगे, इसमें 35 भी लगाएंगे, लोगों को 20 भी दिखाएंगे, उन्हें जितने शौक पूरे करने हैं ना, हम इस गाड़ी में सारी ट्रायल एंड टेस्टिंग देंगे, उसी के लिए आई है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि भरत तेरे को ना कुछ, जैसे मैं पर्सनल एक बोलूँगा कि हम लोगों को कोई ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए जिससे ये पीछे वाला ये चीज़ कवर हो जाए, जो बुरा लगता है थोड़ा सा। हाँ जी वो गया ऑलरेडी। अच्छा पूरा दोनों साइड लगाओगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसका एक रैक बना रहे हैं, ठीक है, तो पीछे से फिट आएगा रैक, ठीक है, उसके ऊपर साथ में बॉक्स आएगा तो उससे ये कवर हो जाएगा, तो सही लगेगा। और ये जो रैक है ना वो सनरूफ के पीछे से सोचने शुरू करने का, ठीक है, क्योंकि सनरूफ भी फंक्शनल रहेगी ना, फंक्शनल रहनी चाहिए। लेकिन अगर जो बिल्कुल टॉप मॉडल्स है जो जो इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आपकी यहाँ तक आएगी, तो उसमें और कुछ बना के देंगे, हर मॉडल के हिसाब से कस्टमाइजेशन तो निकालेंगे ना, जिनके पास नहीं है तो वो क्यों अपनी स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग देखो भाई, मीनवाइल यहाँ पर चीज़ें खुलनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है भाई, गाड़ी का अंदर से भी ऐसा ही है भाई, माल ये अंदर से मुझे लगा था ब्लैक होगा, लेकिन ये इसका सिल्वर बॉक्स है। इस बार इन्होंने अंदर तक पेंट करके दिया है राजीव भैया। नहीं पहले तो ब्लैक ही था ना भाई, तो ब्लैक में तो ब्लैक ही पेंट होगा, उसमें कोई अलग पेंट थोड़ा करके देंगे। नहीं पहले प्लास्टिक था पूरा ना, वाइट करके, भैया के थोड़ा गला खराब हो गया मेरे को लग रहा है, कल ज़्यादा कुछ ठंडा इन्होंने पी लिया होगा, कोल्ड ड्रिंक की वजह से हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये भी तैयार होने की तरफ है पूरा। अच्छा एक चीज़ तो बताए, इसके पीछे उसके क्या पीछे टायर के लिए कैसे कैमरे हमने की कैसे प्लेसमेंट करके तैयारी हो रही है? कैमरा इसका अभी उसके अंदर प्लेस है, इसके स्टेपनी कवर के अंदर। अभी हमारी जो वर्किंग चल रही है वो 360 डिग्री की चल रही है इस गाड़ी में, ठीक है। तो जैसे हम अपना पीछे वाला अलॉय अपग्रेड कर चुके हैं है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसके कैमरा 360 के हिसाब से देखेंगे। तो कैमरा भी कहाँ है? वो कैमरा इधर ही अभी कहीं हटा दिया? अभी तो हमने हटाया हुआ। अच्छा अभी हटा दिया है, मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबली लोग बहुत सारे नहीं अभी लगाई तो भाई ये रहा ना। हाँ ये रंग ठीक है, ऐसे भी बुरा तो नहीं लग रहा। हाँ क्योंकि अगर इसका कैप एंटर से कट करके हम कैप फिक्स कर दें, ठीक है, तो कैमरा तो तभी फंक्शनल ही रहेगा। यहाँ पर है हमारे महिंद्रा थार रॉक्स के खुले हुए पार्ट्स, एसी कंसोल, आप लोगों का को पैसेंजर साइड का जो सामने डैशबोर्ड का पीस है, ये आपका साइड का पीस है, ये आप लोगों का आर्मरेस्ट वाला पीस है, ये पूरा गियर वाला हो गया, ग्लोब बॉक्स वाला हो गया, सारी वर्किंग, ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सब खोल दिया भाई, मतलब तामझाम जो है वो पूरा का पूरा खोल दिया गया है। लोग कहते हैं ना भैया मॉडिफिकेशन क्या होती है, भाई अपनी गाड़ी लेकर, कस्टमर की गाड़ी में तो हर कोई काम कर देता है, अपनी गाड़ी लो उसको पूरा खोलो, अभी स्टेयरिंग की भी वर्किंग चल रही है, इसको भी चेंज करेंगे, सारा तामझाम जो है वो जमीन में आ चुका है भाई, खोल दिया सब कुछ, और इसको अब ऐसा तैयार करेंगे कि दिल्ली में ऐसी गाड़ी होगी नहीं। बिल्कुल भैया, हमारे कस्टमर की हो सकती है दूसरी गाड़ी, पर और किसी की नहीं, ठीक है भाई, और किसी की होगी, हमारी होगी, जो होगी मोका चोका टोका कुछ नहीं करने वाले, कुछ डिफरेंट करेंगे, मजा आएगा, स्टे ट्यून्ड रहो। ये था डे वन, आप लोगों से मिलते हैं इसके फाइनल तैयार वाले दिन। तो आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, जिस दिन इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो उस दिन दिवाली से अगला दिन ये है, लेकिन हम लोग इसको शूट कर रहे हैं दिवाली वाले दिन, तो सबको एक बार हैप्पी दिवाली बोल दो भाई। हैप्पी दिवाली गाइस, ठीक है भाई, हमारी पूरी यहाँ से टीम है भाई, हैप्पी दिवाली बोल दो भाई, ठीक है भाई, पूरी हमारी टीम है यहाँ पर, हैप्पी दिवाली बोलो, ठीक है भाई। तो फाइनली भाई आप लोगों को, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो जो गाड़ी दिखाई थी दैट वॉज थ्री डोर, और आज के टाइम पे ये थ्री डोर कैसी देखने को मिलती है पहले आप लोग ये चेकआउट कर लो भाई। इस गाड़ी का नैन नक्श पूरे चेंज हो चुके हैं, ये जब आई थी तभी ऐसी नहीं दिखती थी, और इस गाड़ी को हम लोगों ने पूरा अपने टेस्ट से तैयार किया है, और प्रैक्टिकली जो है इसको बना के आप लोगों के सामने हम लोग लेके आए हैं। इस गाड़ी में कितनी बारी क्या चीज़ें चेंज हुई है ये इसके मालिक को भी नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं है भाई कुछ, ठीक है, और हमारी टीम जो है वो अंदर बैठ के थोड़ा इन्जॉय भी ले रही है, क्योंकि थार का इन्जॉय अपना अलग होता है भाई। बिल्कुल, ठीक है भाई, तो फाइनली जो है भाई हम लोगों ने फाइव डोर भी तैयार कर दी है। अगेन हम लोग बिल्कुल क्लेम नहीं करेंगे कि हम लोग इंडिया के पहले बंदे हैं जिसने ये गाड़ी तैयार करी है, लेकिन हमने इतनी R&D तो कर ली है कि अब जब हम अपनी गाड़ी में और अपग्रेड्स करेंगे तो हम लोग कॉन्फिडेंट होंगे भैया। बिल्कुल, और पॉइंट भी वही था कि जो चीज़ें आए वो प्रॉपर आए, जल्दीबाजी के चक्कर में वो चीज़ें ना आए जो R&D ना हो या जिन पर रिसर्च ना हुई हो। अभी काफ़ी रिसर्च करके जितने प्रोडक्ट्स हुए हैं उन्हें हमने इसमें फिट करके दिखाई रखे हैं, ठीक है भाई। तो अभी आप जो चीज़ें देखने वाले हो, अगेन ये मॉड जो है ये भी हमने ट्राइड एंड टेस्टेड कर लिया है, तो हम आप तक लेके आ रहे हैं। अगेन लोग पूछेंगे प्राड का अभी तक सामान क्यों नहीं देखने को मिल रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी शोइंग यू कि क्या क्या
प्राड की वर्किंग आ चुकी है। सबसे पहली चीज भरत भैया, इस गाड़ी में ग्रिल जो है वो क्यों चेंज नहीं हुई है, उसका रीजन बताओ भैया। एक्चुअली अभी ग्रिल पे R&D नहीं, मैंने भी देखा है कुछ लोगों ने ऐसा दिखाया है कि उन्होंने इंडिया की पहली ऐसी ग्रिल बनाई है। बिल्कुल भैया, कुछ लोगों ने ग्रिल बना दी है पर उसमें कितनी R&D हुई है ये नहीं पता ना। अभी वो टेस्ट पीसेज है जो डमी पीसेज है वो गाड़ियों पे लग के दिख रहे हैं। तो अगर आज हम कुछ लोगों को दिखाएंगे तो हमारे पास वो पॉइंट है दिखाने का कि कल से कोई हमारे पास आए तो हम उन्हें चीजें दे भी सके। Perfect. सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि हम इसमें रख के दिखा दें और उसके बाद कोई आ रहा है तो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज तो फिर वो मतलब इन द लॉन्ग टर्म वो खराब ही हो जाएगा ना। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, जो अपग्रेड हमने सबसे पहले किया है वो किया है मेटल बम्पर का। अगेन ये मेड इन इंडिया बम्पर है जिसमें आप लोग बाइफोकल या नॉर्मल प्रोजेक्टर्स 3 इंची के इंस्टॉल कर सकते हो। अगेन इसकी अंडरबॉडी जो है वो नहीं आई है क्योंकि वो इसकी फिटिंग की नहीं है। बिल्कुल, सबसे मेन चीज अभी अंडरबॉडी इसकी आने भी वाली है जो हम अगले, ठीक है भाई, परफेक्ट, जो परफेक्ट परफेक्ट होगी। डेव गार्ड भी हम लगाएंगे, फ्यूल टैंक गार्ड भी लगाएंगे, इसका बैश प्लेट भी लगाएंगे और वो हम ही लोग होंगे भाई जो आप लोगों को पूरा फुल प्रूफ कंटेंट दिखाएंगे। मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, 5 डोर तो दुनिया लेके घूम रही है। बिल्कुल, लेकिन कितनों ने उसमें जुगाड़ से लगाया। यहाँ पर जो ये पूरा लगा हुआ है ना भाई आप लोगों का वर्किंग, तो इसमें इवन आप लोगों के जो क्लैम्स हो गए जिसमें ये टांगा जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, सॉलिड है। आप इस पे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो हमारी जो फिट एंड फिनिश है वो एकदम हमने इस पे R&D करके बनाया। हमने वेट किया उसके बाद आप लोगों के प्रोडक्ट दिखाए, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। बाकी अंडरबॉडी आएगी, लोग छुपाते हैं अपनी कमियां, लेकिन हम बोल रहे हैं भाई वो चीज नहीं है। तो कितने अलॉय अपग्रेड देखे थे जो आपका इसके अंदर, अलॉय इसके अंदर जो प्लेटिंग में टक 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 आवाज आती थी। एक बंदा हमारा गाड़ी के अंदर बैठेगा कोई, ठीक है, एक बारी आगे करके भी आपको बताऊंगा क्या दिक्कत आ रही है अभी अलॉय व्हील्स के अंदर। नहीं, इसका वो घिसना पड़ रहा था पीछे का प्लेट आपका कैलिपर। भाई देखो ना, तो हमने इसमें कोई हब लगाया है, मैं तो रुको एक बार दिखाता हूं तुम्हें, यहां से तो जस्टिस हो जाएगा। ना कोई हब लगाया है, ना कुछ लगाया हुआ है, और ये अलॉय व्हील्स बिल्कुल बढ़िया चलेंगे। हल्का सा आगे पीछे करके दिखा दो भैया, हो क्या रहा था इसमें जब आप आगे पीछे करते थे तो ये टक 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 आवाज आती थी। पीछे कीजिए भैया, ठीक है भाई, तो एक टक टक की आवाज थी अलॉय व्हील्स के अंदर। थैंक यू भैया। तो अलॉय व्हील्स की जो दिक्कत थी वो हमने रेक्टिफाई कर दी है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी में कितने इंची के अलॉय व्हील्स डाले भाई, 20 इंचीज के अलॉय व्हील्स डाले जो कि फ्यूल की तरफ से आता है। क्या नाम है अलॉय व्हील का? फ्यूल रेबेल, ठीक है भाई, रेबेल वाले जो काफी लोगों ने अभी थोड़ी स्टोरी पे ग्लिम्स देख के मेरे को मैसेजेस भी आए कि भैया रेबेल के साथ प्लीज आप एक अपग्रेड दिखाओ, तो ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के लिए रेबेल वाला अपग्रेड है। अंदर का इंटीरियर एक्सपोज हो गया, लेकिन अभी बंद कर देते हैं, आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा चीजें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसका टेक्निकली थर्ड अपग्रेड है। पहला वाज बम्पर, सेकंड वाज योर प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, थर्ड वाज योर अलॉय व्हील्स एंड टायर्स। टायर्स अगर आप लोग चाहो तो योकोहामा, गुडरिच के भी जो आप कहोगे वो आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है भाई। वही है, पैसा जितना आप खर्च करोगे वैसी वर्किंग आप ले सकते हो। एक और चीज जो बहुत ज्यादा दिख नहीं रही होगी लेकिन आप समझ लो, ये कार्बन किट भी हमने इस गाड़ी में लगाया हुआ है। और ये सारी किट से लेके एक एक वर्किंग जो हमने करी है, ये किट जो की वर्किंग है, ये हम लोगों ने पूरा देखा क्या प्रोडक्ट बन सकता है, कैसे क्या लग सकता है, उसके बाद हमने वर्किंग करी है। रियर की तरफ में आते हैं, रियर में अलॉय व्हील डाल दिया है। आप में से कई सारे लोगों को पता है इसमें कैमरा दिया गया है, तो वी वर ओके विद इट। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर वो लगे नहीं लगे, हमारा कैमरा अभी भी वर्किंग है, बिल्कुल पूरा प्रॉपर व्यू दिखा रहा है। और लुक के बारे में बात करोगे तो इट लुक्स मोर एनहांस्ड। बाकी हमारी प्लानिंग ये है कि इसके ऊपर कुछ हम ऐसा बना देंगे राउंड वाले, आजकल वो बन जाते हैं ऊपर लग के, कि कुछ कैमरा प्लेसमेंट भी आ जाए और थोड़ी कवरिंग भी वो हो जाएगा। यार वो आपको पता है हिंदुस्तान, तो भाई आप लोगों को पता है फाइबर के काम के लिए भी काफी मशहूर है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। अब मैं आप लोगों को मेन चीज दिखाता हूँ भाई, जिसके लिए हमने थार डोर 5 डोर को जो है अपनी तैयार किया। सो प्रेजेंटिंग यू ऑल, भरत कार की तरफ से आप लोगों के लिए थार 5 डोर का अंदर का लुक। तो इसमें जो है हम लोगों ने प्लास्टिक पेंट, हाइड्रोडेप, उन सबका यूज किया है। और इसका भी एक ऑफर अभी भरत ऑन कैमरा आपको बताएगा, दिवाली ऑफर है। अपनी गाड़ी क्या करवाना कुछ एक बोलना? थ्रीडर और एक 5 डोर, दोनों का एक एक ऑफर आएगा। दिवाली वाला थ्री डोर का क्या ऑफर है? थ्री डोर का जो ऑफर है भैया वो बेस मॉडल यूजर्स के लिए आएगा, ठीक है। जिसके अंदर जो हम ऑफर निकालेंगे वो 39,999 रुपीज के अंदर निकालेंगे, मतलब 40,000 रुपए हो गया। 40,000 के अंदर हम बेस से टॉप बनाएंगे विदाउट द अलॉयज। एक अलॉयज के लिए भी ऑफर आएगा जो कि आएगा 75,000 में विद अलॉयज। बेस मॉडल टू टॉप मॉडल गाड़ी बनाओ ओनली एट 75,000। 5 डोर में क्या निकाल रहे हो? 5 डोर के इंटीरियर कितने रुपए का हो रहा है 5 डोर का? ये तो आज जो इंटीरियर का ऑफर है, ठीक है, हमने बहुत टाइम से 30,000 का रन किया था, ठीक है, जबकि गाड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड टाइम के लिए ऑफर होगा वो होगा मात्र 25,000 रुपीज का इंटीरियर पेंटिंग 5 डोर का। फाइव डोर का और अगर 3 डोर की बात करूँ लोग फिर बोलेंगे उसको तो 15 में कर दो।
नहीं नहीं, हमारा जो अभी ऑफर आएगा ये 5 डोर के लिए आएगा, क्योंकि ये ऑफर है जो हम देखने आएंगे वो नई चीजों के लिए नहीं। अब जैसे 3 डोर के लिए हमने बेस मॉडल इतना आ रहा था तो इसलिए उनके लिए ऑफर्स निकाले गए। परफेक्ट भाई, आप लोग चाहे डोर पैड्स के बारे में बात करो, हाइड्रोडिप की क्लीनिंग के बारे में बात करो, अंदर की एमिन लाइट के बारे में बात करो, क्वालिटी जो है वो फुल डिलीवर हुई है। कई सारे लोग बोलेंगे वो वाले पीसेस को नहीं लगाए, उसमें हल्की फुल्की कंप्लेंट्स है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने उसमें छेड़खानी नहीं करी, लगाना है अच्छी चीज़ें लगाना है। इवन ग्रैब हैंडल्स आर ऑल्सो पेंटेड, ठीक है भाई, क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो अच्छे डिलीवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई, ये हमारी खासियत है भाई, खास, ठीक है भाई। और आप लोगों को 19-20 का नहीं भाई, पूरा 100% वाला बढ़िया लुक जो है वो हम गाड़ी का यहाँ पर चेक करा रहे हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है ज़रूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन दे के जाइएगा, ठीक है भाई। A, B, C pillars, everything is painted in good quality. Even आप लोगों के जो स्पीकर के पूरे कवर्स है वो भी हमने तैयार किए हैं बढ़िया तरीके से भाई। तो कैसा लग रहा है गाड़ी का लुक ज़रूर बताना। अगेन विद द एंड्रॉयड स्टीरियो भी क्या अपग्रेड है भाई, अगले वीडियो में सबको एंड्रॉइड स्टीरियो को देखने प्रिंस भैया से बात हो रही है। एंड्रॉइड का एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना के जो है हम लोग चेक करेंगे। हाइपरसोनिक की टीम भी वर्किंग में लगी हुई है तो आप लोगों को बहुत जल्दी जो है उसमें भी हम लोग जो है रिस्पांस दिखा देंगे। और पीछे की तरफ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, एक एक प्लास्टिक पार्ट जो है इसका वो हम लोगों ने खोल के अच्छे से किया है। तो भाई देखो ये एक वर्कमैनशिप के ऊपर होता है, काम तो बहुत सारे लोग कर देते हैं लेकिन जो क्वालिटी होती है वो कुछ ही लोग डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप लोगों को भरतकार जो है वो पूरा जो है हेल्प करेगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी लोग वर्किंग कराने का प्लान कर रहे हो, बिल्कुल वही बात है, हमने 40,000 का प्लान निकाल दिया, हमको देखा देखी कोई कहेगा भैया मैं ये काम 30 में भी कर दूंगा, लेकिन एक कवर्ड जगह एक वर्किंग टीम से बहुत फर्क पड़ता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया, और एक अच्छी टीम होना, और प्लस ना सिर्फ अभी भी मैं बता रहा हूँ हमारा कॉन्सेप्ट जो 5 डोर को लेके रहेगा, इट्स नॉट अबाउट कि हम सबसे जल्दी हर चीज ले आए, सबसे प्रॉपर हर चीज ले आए। हम कर रहे हैं कि भैया पहले सबका आने दो, उसके बाद जो है हम लोग जैसे बचपन में होता था ना भाई सबकी आइसक्रीम सब खा लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में अपनी आइसक्रीम खाएंगे। और बिल्कुल भैया सबसे प्रॉपर लाना है, चाहे हम जल्दी आए हम लेट आएंगे, पर आएंगे हम तो एकदम R&D के साथ आएंगे। और भाई ये कलर है कौन सा, जैसे कलर तो बताओ, ये कलर कॉम्बिनेशन जो आपने दिया भैया, ये जो मोका वाला टाइप का है, थोड़ा सा डार्क है, उससे क्या है, ये मोका तो बिल्कुल नहीं है, मोका इज अ डिफरेंट कलर, मोका इज अ चॉकलेट फैमिली, ठीक है ठीक है, ये टैन फैमिली के अंदर का कलर है। तो द थिंग वॉज मेरा मन तो बहुत कलर्स का था, पर हमारे मानव भैया और सिमरन का जो मन था, नहीं नहीं भाई उनका पार्ट ना, ठीक है भाई। इसमें हमने देखो भाई AMG स्टाइल AC वेंट्स लगाए, AMN लाइट किया है, हाइड्रोडिप की क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप लोग 5 डोर हमारे पास लेके आ रहे हो इंटीरियर के लिए, मात्र मात्र 25,000 रुपए में हम इंटीरियर करके देंगे, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जैसे महिंद्रा पहले गाड़ी सस्ती निकालती है, इंटीरियर पेंटिंग प्लस हाइड्रोडिपिंग, ठीक है भाई, हमारा समझने की जरूरत है, बिल्कुल इंटीरियर पेंटिंग एंड हाइड्रोडिपिंग, ठीक है भाई, 25,000। और भाई 30,000 के बाद सीधे 25,000, गाड़ी बड़ी हो गई तो इन्होंने सस्ता कर दिया। अब तुम ये मत सोचना कि इसको हम लोग 15,000 में करके देंगे, ऐसा कोई नहीं, ठीक है भाई, वो जो है तो है। मुझे पता है कुछ मेरे भाई है जो बहुत प्यार करते हैं हमसे, वो आएंगे भैया 15 में कर दो, 20 में कर दो, तो भाई ऐसा नहीं है, प्यार आपको पूरा हम लोग देंगे जैसा सहयोग रहेगा। बाकी आई गेस आप लोगों को एक आइडिया वाइज जो हमने चीजें समझा दी है, 5 डोर इज रेडी टू रोल आउट अगेन ऑन मार्केट। और अब इस गाड़ी को कुछ दिन जो है अभी ये थोड़ा काम वाम जो बच रहा है करके उसके बाद मैं लेके जाऊंगा आप लोगों के साथ, ऑलमोस्ट एक दिन जो है पूरा गाड़ी रख रहा हूँ, आप लोगों को बताऊंगा क्या फायदे गाड़ी के, उससे भी समझा देंगे, हमारे जो वर्किंग करी है कहीं कोई टक टुक टुक आवाज तो नहीं आ रही है, तो ये आप लोग बिल्कुल जो है शेयर करेंगे। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो भाई आप सब लोगों को फिर से हैप्पी दिवाली है सबके लिए, आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत बना के रखो, आप लोगों से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।